देश में कोरोना वायरस के मामलों में एक बार फिर तेजी दिख रही है। गुरुवार को भी कोरोना के नए केस 3 लाख के आसपास बने रहे। देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान 2,86,384 नए कोविड-19 मामले सामने आए हैं। हालांकि कल की तुलना में केसों में मामूली वृद्धि ही दर्ज की गई। बुधवार को 2,85,914 नए कोरोना केस दर्ज किए गए थे। देश में संक्रमण के कुल मामलों की तादाद 4 करोड़ के पार जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि बीते 24 घंटे के 573 मरीजों की मौत हुई है, जबकि अब तक कुल 491,700 लोग कोरोना के चलते जान गंवा चुके हैं। भारत में मौजूदा समय में एक्टिव केस 22 लाख के पार बने हुए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में एक्टिव केसों में कमी दर्ज की गई, क्योंकि बीते 24 घंटे के दौरान नए मामलों के मुकाबले ठीक होने वाले मरीजों की संख्या अधिक रही। एक्टिव केस कुल मामलों का 5.46% है। पिछले 24 घंटे के दौरान 3,06,357 मरीज ठीक हुए हैं। वही अब तक 3,76,77,328 लोग संक्रमण को मात देने में कामयाब रहे। रिकवरी रेट 93.33% है। दैनिक संक्रमण दर यानी डेली पॉजिटिविटी रेट 19.59% है, जबकि साप्ताहिक संक्रमण दर 17.75% है। देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक लोगों को वैक्सीन की 163.84 करोड़ डोज दी जा चुकी है। टेस्टिंग की बात करें तो अब तक 72.21 करोड़ कोरोना टेस्ट हुए हैं, जिसमें पिछले 24 घंटे में हुए 14,62,261 टेस्ट भी शामिल हैं। कोरोना की खबर को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब